प्यारे विद्यार्थियों, अज नौवीं जमात का अठवां पाठ गति गति दे नाल संबंधित कुछ परिभाषा पढ़ांगे आपां। सब तो पहला है विराम अवस्था। विराम अवस्था तो की भाव है? कोई भी वस्तु विराम अवस्था भाव आराम की अवस्था विच उदों हुंदी है जदों ओह अपने आले दुआले दे मुकाबले विच अपनी स्थिति नहीं बदलती। तो उस नू आपां उस वस्तु की विराम अवस्था आखते हाँ। उदाहरण के तौर पर जेकर आपां कोई कापी रखी हुई है तो वह उस ही जगह पर पई हुई है, वह अपनी जगह नहीं बदल रही, तो वह विराम अवस्था है। उदाहरण के तौर पर तुहाडे कमरे दे विच देखो, अपने आस पास पईयां वस्तुआं नू देखो, जिवें कि कुर्सी है, मेज है, दीवार है, तो वह अपने आसे पासे दीआं होर वस्तुआं दे मुकाबले दे विच अपनी अवस्था नहीं बदल रही, स्थिति नहीं बदल रही, तो उसनू आपां विराम अवस्था आखते हैं। उस तो बाद है कि गति की है, फिर गति किसनू कहते हैं? जदों कोई वस्तु अपने आले दुआले दे मुकाबले अपनी स्थिति बदलती है, वो एक जगह तो दूजी जगह पर जाती है, उसकी स्थिति इक्को वर्गी नहीं रहती, स्थिति बदलती रहती है, तो वह वस्तु गति दे विच है। उदाहरण के तौर पर चलती हुई बस, चलती हुई कार, कोई आसमान दे विच उड़दा होया पंछी, तो उन्हां सब दी स्थिति हर समय बाद, थोड़े थोड़े समय बाद स्थिति बदलती रहती है, अपने आले दुआले दीआं वस्तुआं दे मुकाबले स्थिति इक्को वर्गी नहीं रहती, तो उदों आपां कहिंदे हाँ कि कोई वस्तु गति दे विच है। उस तो बाद अगली परिभाषा है दूरी। दूरी किसनू कहिंदे हाँ? किसी वस्तु द्वारा अपनी आरंभिक बिंदु तो अंतिम बिंदु तक तय किया गया कुल फासला या कुल डिस्टेंस, उसनू दूरी कहा जाता है। दूरी अदिश राशि है। अदिश राशि तो मतलब इस दे विच दिशा नहीं देखी जाती कि कोई वस्तु केड़ी दिशा दे विच जा रही है। इसका अर्थ यह है कि दूरी नू या कुल तय किए गए फासले नू दर्शाउण दे लई केवल परिमाण की ही लोड़ हुंदी है, अते दूरी नू मीटर दे विच मापिया जाता है। उदाहरण के तौर पर दो बिंदु लेंदी हाँ मैं, ए बिंदु है अते बी बिंदु है। मान लो कि ए जेड़ा है ए एक आरंभिक बिंदु है, इत्थे कोई कार खड़ी हुई है, तो जिथों इस समय कार विराम अवस्था दे विच है, जदों ओह इत्थों चलना शुरू हो जाती है, तो ए वाला जो बिंदु है ए ए आरंभिक बिंदु बन जाता है, क्योंकि इत्थों वस्तु ने विराम अवस्था तो गति दे विच आना शुरू किया है। सो आरंभिक बिंदु तो कार जा रही है अते ओह इस बिंदु दे तक जाती है, इत्थे जाके रुक जाती है, तो यह वाला जिहड़ा बिंदु है ये अंतिम या आखिरी बिंदु हो जाता है। तो हुण आपां दूरी किसनू कहांगे? ए तो बी तक कुल तय किया गया फासला, ए तो बी तक उसने कितना फासला तय किया है, इसनू आपां दूरी कहांगे। अते दूरी नू हमेशा मीटर दे विच मापिया जाता है। इस दे विच आपां दिशा दा ध्यान नहीं दिता है कि वह उत्तर वल जा रहा है, दक्षण वल जा रहा है, सिर्फ इस दे विच आरंभिक बिंदु तो लैके अंतिम बिंदु तक कुल फासला मीटर दे विच लिया है कि उसने एक मीटर लिया तय किया है, दो मीटर तय किया है, या फिर दस मीटर तय किया गया है, तो इसनू आपां दूरी कहिंदे हाँ। आरंभिक अते अंतिम बिंदु दे विच तय किया गया कुल फासला।